मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज 6वीं प्रशिक्षण वाहिनी विशेष सुरक्षा का 99वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विशेष बल 17वीं बटालियनों के 367 नव आरक्षकों को कर्तव्यनिष्ठ होने की शपथ दिलाई गई। परेड ग्राउंड रांची आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे जबलपुर रेंज के IG उमेश जोगा ने विशेष बल द्वारा दीक्षांत परेड की सलामी ली और निरीक्षण भी किया। इस मौके पर IG उमेश जोगा ने नव आरक्षकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह किसी भी आरक्षक के लिए खास दिन होता है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान आरक्षक देश सेवा और ईमानदारी की ट्रेनिंग भी लेता है, जिसे आरक्षक अपने जीवन भर याद रखता है। कोरोना काल में नव आरक्षकों ने समर्पण के साथ काम किया है। दीक्षांत समारोह में 53 नव आरक्षकों का ये बुनियादी परीक्षण समाप्त होने के बाद आज एक कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए हैं। इसमें खास करके पिछले 2 साल सभी के लिए बहुत ही कठिन समय था, जिसमें कोरोना का महामारी भी था। इसमें प्रशिक्षण के संस्था के सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत से इन लोगों को ट्रेन किया है। हम लोगों को बहुत बहुत खुशी है कि हमारा बल में ये लोग शामिल होंगे और जनता के काम में और बेहतर काम करने में सहयोग मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट न्यूज़, जबलपुर।